आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ बंदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश के स्व सहायता समूह को 150 करोड़ की सौगात देंगे और इस सौगात से समूहों से जुड़े परिवार को ऋण के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी। मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस सौगात से प्रदेश के 1,30,000 से ज्यादा परिवारों को लाभ होगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान दमोह, देवास और शिवपुरी के लाभार्थियों से भी बात करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर, उज्जैन और आगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री मंदसौर के सीतामऊ में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही उज्जैन के बहितपुर में इंदोखा बांध का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर के बड़ोद में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब उपचुनाव के मैदान में जल्द ही कुछ और नेता पुत्र नजर आएंगे। युवाओं को साधने के लिए चुनावी मैदान में इन नेता पुत्रों को उतारा जा रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ और सांसद दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन के सामने उपचुनाव के मैदान में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान नजर आएंगे। दोनों 21 सितंबर को पहली बार बीजेपी युवा मोर्चा के सम्मेलन में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। यहां वे बीजेपी के संभावित प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के समर्थन में माहौल बनाएंगे। चलिए बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ आज दिल्ली में कई बैठकों में शामिल होंगे। सोनिया, राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात हो सकती है। 12 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली गए हैं कमलनाथ और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी करने के लिए ये मंथन चल रहा है।